देखिए ये जो बीजेपी वाले जो लोग कर रहे थे, अब बीजेपी वाले लोगों को और आरएसएस के लोगों को मेन है कि ये आरएसएस का एजेंडा रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरएसएस का एक ही मकसद है कि पूरे देश को हिंदू में तब्दील कर दिया जाए, तो ये नामुमकिन है। ये जो देश है ये एकता का देश है, भाईचारा का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये उसका देश है। लेकिन ये चाहती है कि पूरे तरीके से लड़वाना और देश को बर्बाद करना और दो टुकड़ों में बांटना, तो ये नामुमकिन है, ना हम लोग होने देंगे इसको महागठबंधन के लोग। और जिस तरीके से भाजपा को जातीय जनगणना से भी झटका लगा, और ये जो मसला हुआ राहुल गांधी जी वाला, जो आदमी जिसको घर से बाहर करता है, बेदखल करता है, घर से निकालता है, जिसका घोंसला तोड़ता है, एक दिन उसका घोंसला टूट जाता है, तो ये पूरे तरीके से भाजपाइयों को पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब है कि किस तरीके से किसी का घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी के भी घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। तो आज वो हमारा हम लोगों का महागठबंधन का घर को उजाड़ने का काम किए हैं, 24-25 में उनका घर उजड़ जाएगा।